हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड योर चैप्टर 4, लुकिंग आफ्टर माय बॉडी। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? आपका टाइटल चैप्टर का लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना। ठीक है, माय बॉडी, मेरी बॉडी का ध्यान रखना। किस तरह से हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं या हमें किस तरह से अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे दिख रही है आपको, साइना'स पेट किटन इन इन हर बाथटब। साइना इज़ अ सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर हर। साइना यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल दिख रही है और यहाँ पे वो बाथटब में किसी एक पैट को, अपने पैट को निहला रही है, वो है किटन। किटन किसको बोलते हैं? किटन होती है जो कैट होती है ना, उसका जो बेबी होता है किटन, उसे हम किटन बोलते हैं। ठीक है, कैट के बेबी को हम किटन बोलते हैं। ठीक है, वो जो साइना जो है वो अपने जो पैट है किटन, उसको नहला रही है बाथ टब में और उसके लिए गाना गुनगुना रही है, एक पोएम उसके लिए गुनगुना रही है। वो क्या बोल रही है? आई विल वाइप यू क्लीन विथ दिस टावल ब्लू। मैं तुम्हें साफ कर दूँगी अच्छे से इस ब्लू टावल के साथ, जो इसके हाथ में है वो टावल दिख रहा है ना आपको, ये जो टावल दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लू टावल से उसको साफ़ कर देगी, वो ऐसा कह रही है। योर मिल्क एंड ब्रेड आर वेटिंग फॉर यू। आपका दूध और आपकी ब्रेड जो आप खाते हो वो आपके लिए इंतज़ार कर रही है, मतलब वो रेडी है और आप जल्दी से नहा लो और वो खा लो। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है? साइना। ठीक है, अपनी किटन से, अपनी जो पैट है वो उसने पाली हुई है, एक कैट, कैट के बेबी को किटन बोलते हैं, उसे बोल रही है। ठीक है, आर बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से रहना। ठीक है, वी मस्ट लुक आफ्टर इट इन एवरी वे। हमें उसे हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से। ठीक है, अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी। जो हमारी किसी की भी जो बॉडी होती है, अगर वो साफ रहती है, क्लीन रहती है, तो वो हेल्दी होता है, वो उसे बीमारियाँ नहीं लगती। ठीक है, वो बहुत अच्छा बॉडी होता है। ठीक है, वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, बिल्कुल अच्छे से, अच्छी तरह रहने के लिए, कोई बीमारी हमें ना लगे, उसके लिए हमें अच्छी अच्छी आदतों को फॉलो करना चाहिए, हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। हमें ना, अब जैसे यहाँ पे आपको एक बॉय दिख रहा है जो ब्रश कर रहा है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी टीथ को ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में। ठीक है, सुबह उठकर, जब हम सुबह नींद से उठते हैं तब हमें ब्रश करना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए। जैसे मॉर्निंग में आप मिल्क पीते हो, ठीक है, तो हमें ब्रश करने के बाद मिल्क पीना चाहिए। एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, और हम जब बेड पे जाते हैं, मतलब हम जब सोने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले भी हमें अपने अपनी टीथ को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, मतलब सोने से पहले रात को और सुबह उठने के बाद। ठीक है, और जब हम ब्रश करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं, जैसे यहाँ पे बच्चा दिख रहा है ना, ये टैब को ओपन किया, मतलब ओपन कर रहा है, तो हमें टैब ओपन करके ब्रश नहीं करना चाहिए। पहले हमें, हम मतलब जब जितनी देर हम अपने टीथ को ब्रश करते हैं, उतनी देर हमें क्या कर देना चाहिए? टैब को बंद करना चाहिए। ठीक है, उससे वाटर वेस्ट हो जाए, ये आपको पता है। ठीक है, आगे बाथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड सोप। ठीक है, हमें रोज़ नहाना चाहिए, जैसे यहाँ पे एक बच्चा ये नहा रहा है ना रोज़, तो हमें रोज़ नहाना चाहिए। जैसे सर्दियों में कुछ बच्चे नहाते नहीं हैं, तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें रोज़ नहाना चाहिए, विंटर हो या समर्स हो। ठीक है, और साफ़ पानी से नहाना चाहिए और सोप का इस्तेमाल, मतलब साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, वाइप योर सेल्फ ड्राई विथ हर क्लीन टॉवल। और जब नहाने के बाद जब हम गीले हो जाते हैं, तो हमें अपने आप को, हमारी बॉडी को बिल्कुल सूखा करना चाहिए, जो हमारा टॉवल होता है उससे बिल्कुल अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। ठीक है, बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पेज, कॉम योर हेयर एवरी डे, ऑयल इट वंस अ वीक। हमें हमारे बाल रोज़ बनाने चाहिए, रोज़ कॉम करने चाहिए, कॉम मतलब कंघी करने चाहिए। ठीक है, रोज़ ऑयल इट वंस अ वीक, और हफ्ते में कम से कम एक बार ऑयल अपने बालों में बहुत अच्छे से रब करना चाहिए। ठीक है।